मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास रहेगा। इसके साथ ही जेल, उद्योग और जनसंपर्क विभाग भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास रहेगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। और इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, मुख्यमंत्री के पास पावर सेंटर मुख्यमंत्री हैं, गृह भी उनके पास रहेगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ आसिफ लगभग 9 विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास रहेंगे, जिसमें गृह, जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन जैसे विभाग भी हैं। सबसे ज्यादा लोगों को उत्सुकता इस बात की भी थी, जो कि वरिष्ठ नेता बीजेपी के अब मध्य प्रदेश के विधानसभा में नजर आते हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, उनको नगरीय प्रशासन मिला है। प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मिला है। पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, पहले भी वित्त मंत्री थे, तो वित्त विभाग इनके पास ही है। और राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य और साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग भी दिया गया है। और ऐसे ही और जो सांसद या पूर्व बीजेपी अध्यक्ष है राकेश सिंह, उनको लोक निर्माण विभाग दिया गया है। एक और सांसद उदय प्रताप सिंह जो आए थे, उनको परिवहन और स्कूली शिक्षा विभाग दिया गया है। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनका विभाग नहीं बदला है, जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके पास ऊर्जा पहले भी था और अब भी ये ऊर्जा में ही रहेंगे। इंदर सिंह परमार जो पिछली सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री थे, शायद अब प्रमोशन हो गया है और ये उच्च शिक्षा मंत्री इस बार बनाए गए हैं। साथ ही साथ इनके पास तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग जैसे विकास भी होंगे। तो ये मोहन यादव ने पहले भी कहा कि सभी 5 साल डटकर काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से काफी देरी हुई है। 3 दिसंबर को ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे और इसके 8 दिन बाद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने, 2 दिन बाद सबने शपथ ली और इसके 12 दिन बाद 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और अब जाकर साल खत्म होने के 1 दिन पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी। अनुराग द्वारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे।